घड़ी लगी है, जो चार घड़ी लगी है वो 8 लाख रुपए की है। कौन सी साली घड़ी है जो 8 लाख की है? कौन सी घड़ी है जो 8 लाख की है? कमेंट करके, क्योंकि ये घड़ी यहाँ पे काफी चर्चे में रही है, बहुत ही ज्यादा चर्चित रही है। चर्चित इसलिए रही है कि हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है घंटा घर से। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे घंटा घर क्या है भाई, ये तो मन में जहन में सवाल तो आएगा कि घंटा घर क्या है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं नेपाल में हूँ, तो नेपाल में जब हम नेपाल आए हैं तो जैसे हमारे टिकुनिया का बॉर्डर जो है उसी बॉर्डर से मैं आया हूँ टीकापुर। तो टीकापुर मार्केट में एक सरकार की तरफ से घंटा घर बना हुआ है जिसकी ऊँचाई करीब 50 फीट ऊँचाई है उसकी। मैं उस टाइम उसी जगह खड़ा हूँ, अभी मैं इस टाइम उसी जगह खड़ा हूँ। तो घंटाघर की खासियत क्या है, जो घंटाघर काफ़ी लोग यहाँ के लोग जानते हैं, घंटाघर की खासियत यह है कि घंटाघर में घड़ी लगी है, चार घड़ी लगी है। घड़ी मतलब वॉच, आई थिंक घड़ी लगी है, जो चार घड़ी लगी है वो 8 लाख रुपए की है। कितने की? 8 लाख रुपए की है। अब आप ये तो जरूर सोचे होंगे कौन सी साली घड़ी है जो 8 लाख की है। ऐसी कौन सी घड़ी है जो 8 लाख की है? सोचो कौन सी घड़ी है जो 8 लाख की है। तो हाँ, यही बात, ये सनसनी खबर पूरे नेपाल के काफी जगहों तक फैली थी कि भाई कौन सी घड़ी है जो 8 लाख की है। मतलब एक घड़ी 2 लाख रुपए की है, जो कि ये घड़ी इंडिया से आई हुई घड़ी है। आप लोग एक बात बता दें कि हमारे देश से, अपने देश से आई हुई घड़ी है ये, इंडिया से कि इंडिया की घड़ी है, जो कि मैं आप सबको भी दिखाने वाला हूँ वो घड़ी। ये घड़ी इंडिया से ही आई है। मैं चलता हूँ उस घड़ी के पास, और ये घड़ी इंडिया से आई हुई है। और इसके बाद है, मतलब कि अब यहाँ जैसे बहुत सारी न्यूज़ें फैले थी कि भाई इतनी महंगी घड़ी कैसे हो गई, तो उस घड़ी 8 लाख होने का रीज़न है, 8 लाख उसको पूरा बजट, मतलब उस घड़ी को लाना लगाना पूरा बजट उसमें 8 लाख खर्चा हुआ है, तो घड़ी का इसलिए लोग 8 लाख रुपए कह देते हैं। ये बातें हैं। तो चलते हैं क्यों ना उस घड़ी की तरफ चला जाए। ये रही इंडिया, मैं ऊपर जाता हूँ और आप सबको घड़ी दिखाते हैं गाइस। तो और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब मुझे तो पहचान ही गए होंगे धीरे धीरे, क्योंकि अब ब्लॉग आता रहता है और बीस बीस में कभी अगर नहीं भी आता है तो कुछ दिक्कतों से नहीं आ पाता है, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ब्लॉग डेली आप सब तक पहुँचे। तो धीरे धीरे आप लोग जाने जाएंगे, जो भी जानते हैं बहुत सारे लोग तो शायद जान गए होंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग जानते हैं, बट ब्लॉग क्या है कि बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता अभी। अब ये ब्लॉग होता क्या है ये बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। अब एग्जाम्पल देखा जाए कि वैसे भी ब्लॉग देखने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जो हमारे ब्लॉग के सबसे बड़े क्रिएटर हैं सौरभ जोशी, उनका ब्लॉग डेली का करीब 4 से 5 मिलियन व्यूज आते हैं। तो इससे समझ में आता है कि ब्लॉग देखने वाले बहुत सारे लोग हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चैनल ग्रो होगा, लोग देखेंगे। तो मैं आप सबको थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ कि मैं कितना ऊपर आ चुका हूँ। अभी नहीं, थोड़ी देर में दिखाते हैं, मैं पूरा ऊपर तक पहुँच जाता हूँ, तो जहाँ पे आप सबको मैं घड़ी दिखाने आया हूँ, और मैं लगभग लगभग वहाँ पहुँच चुका हूँ, आप ये देख सकते हैं। तो गाइस ये व्यू देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना आप सबको दिखाया जाए। टीकापुर का एक घंटा घर के ऊपर जब आप आएंगे ना, तो यहाँ से जो व्यू दिखता है बाहर का बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर, पूरा अच्छे से आपको पूरा टीकापुर दिख जाता है, देख रहे हैं ये देखिए गाइस। तो चलते हैं, मैं घड़ी दिखाता हूँ सीधा आप सबको। ये पहली घड़ी ये रही, ये पहली वॉच रही, आप लोग देख लीजिए, सही से तो नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से, और दूसरी तरफ की घड़ी दिखाते हैं। ये देखिए, शायद ये अच्छे से दिख जाए। हाँ ये देखिए, यही वो घड़ी है जो कि 2 लाख रुपए की है। तो ऐसी चार घड़ियां हैं जो कि चारों तरफ लगी हुई है, तो मैं चारों तरफ चल के आपको दिखाता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ का नज़ारा भी देख लें। जो टीकापुर का है, ये पानी की टंकी रही, और इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग एक दिन यहाँ टीकापुर में एक हवाई अड्डा है, जो कि काफ़ी पहले माओवादियों के चक्कर में बंद हो चुका है, एक हवाई अड्डा है जिसपे
काफ़ी पहले फ्लाइट लैंड हुई है, मतलब छोटे जहाज़ जो हैं वो लैंड हुए हैं। यहाँ देखिए ये रही घड़ी। तो गाइस ये है, आप सबको मैंने दिखा रखा, ये है घंटाघर। ये घंटाघर का नीचे पार्किंग एरिया ये सब बन रहा है अभी, तो अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये काफ़ी इसका जो डिज़ाइन किया गया है आगे चल के, क्योंकि घंटाघर बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, और घंटाघर की बहुत सारी भी चीज़ें कार्य चल रहा है। अभी तो स्ट्रीट लाइट लग रही है, कलर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे काम अभी यहाँ पे चल रहे हैं। बता रहा था कि टीकापुर में क्या है, हवाई अड्डा, जो कि काफ़ी पहले वहाँ पे फ्लाइट लैंड होती थी, तो कुछ माओवादियों के चक्कर में अभी वहाँ फ्लाइट लैंड होना बंद हो गया है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी यहाँ पे बाद में पता चली कि एक बस पार्क जो था ना, बस पार्क के सामने ही हवाई अड्डा है, जो कि काफ़ी पहले वो बंद हो चुका है। अभी भी उसका क्षेत्र है वहाँ पे, तो बंद होने का जो कारण है मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा। मैं पहले उसके बारे में जान लूँ आपको, तो स्पेशली मैं एक ब्लॉग उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ, आपको उस एयरपोर्ट का वीडियो दिखाने वाले हैं, और जो अभी वहाँ पे चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। रनवे है, रनवे पे घास उगाई है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अगले ब्लॉग में या फिर उसके आगे वाले ब्लॉग में मैं वो चीज़ें डालने वाला हूँ, आप सबको दिखाने वाला हूँ। सामने बस पार्क भी है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊँगा, तो दोनों एक साथ देखने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बस पार्क बिल्कुल बस पार्क के सामने ही ना वो है हवाई अड्डा, जो कि अब चलता नहीं है, तो हम भी चलते हैं नीचे। और इसके बाद आप सब ने देखा घड़ी कैसी लगी, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि ये घड़ी यहाँ पे काफ़ी चर्चे में रही है, बहुत ही ज़्यादा चर्चित रही है। चर्चित इसलिए रही है कि लोग दो लाख रुपये जब लोग सुनते हैं ना, तो इजी सब जो है, मतलब इंसान के मन में सवाल आता है कि भाई 2 लाख रुपये आखिर है ना यार, पैसे होते हैं 2 लाख बहुत सारे, तो 2 लाख रुपये में आखिर घड़ी आई कौन सी है, ये तो मेरे भी सामने है। कोई भी एक आम पब्लिक जानना चाहेगी तो उसके पीछे का ढेर सारा खर्चा होता है, कहानियाँ होती है, क्या घड़ी लाने वाले बता। तो मेरी इंजीनियर से मेरी थोड़ी सी बात हुई, तो इंजीनियर बताने लगा कि यहाँ की जो घड़ी है उसमें मतलब जो आने का खर्चा हुआ मिस्त्री का, और जो लगाने वाले इंजीनियर आया उसका खर्चा हुआ, उधर से आया, यहाँ की सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मिला करके ना वो थोड़ा महंगी पड़ी। बाकी और ज़्यादा ऐसा कोई रीज़न नहीं, क्योंकि इंडिया से आई है तो आपको वाजिब ही रेट मिला होगा, ये तो कन्फर्म है कि इंडिया से आई है तो वाजिब रेट मिलेगा, ये कन्फर्म है। अब बाकी यहाँ के आने का खर्चा, यहाँ की सरकार का टैक्स और जो टूल टैक्स होता है, वो सारी चीज़ें देने के बाद, इंजीनियर का खर्चा देने के बाद, तो जाके घड़ी देखी पड़ी है। ये रही घंटाघर की आपकी कहानी। तो घंटाघर अभी बन ही रहा है, और इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें बनने वाली हैं। यहाँ पर स्विमिंग पूल बनने वाला है, पार्क बनने वाला है, किड सेक्शन का पाला अलग बनने वाला है, और यहाँ पे बाद में टिकट भी लगेगा घूमने आने के लिए, तो मैं आप सबको दिखा दिया हूँ। अगर कोई भी भाई इधर आता है घूमने तो आ सकते हैं, बाकी बाद में आता है तो उसको और सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि अब स्विमिंग पूल हो गया, उधर नहा भी सकते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है उधर इधर। तो इसके बाद फिर मैं धीरे धीरे नीचे पहुँचूँ, आपको यहाँ का कुकिंग एरिया दिखाता हूँ, जहाँ पे होटल टाइप रहेगा वो एरिया मैं आप सबको दिखाने चल रहा हूँ, और वहाँ पे खाना और ढेर सारी चीज़ों की व्यवस्था रहेगी। तो मैं एंट्री करने चल रहा हूँ, ये पहला ही काउंट गेट है, इधर से आप उन्हें इधर गया, और ये देखिए इधर आया, देखो इधर किचन बना हुआ है, इधर किचन है, और इसके बाद एक किचन है, तो बाद में जाके अच्छी खासी होटल इधर बन जाएगी। इधर एरिया बहुत अच्छा है पार्टी वीटी करने के लिए, अपन इधर कोई भी आके पार्टी वीटी कर सकते हैं एकदम अच्छे से, बहुत ही अच्छा स्पेस है, और इस तरह भी बढ़िया स्पेस है। देखिए उधर वाशरूम बना हुआ है, एक रूम है, तो बहुत सारा अच्छा एरिया है, कोई नहीं बढ़िया है। बाहर का भी नज़ारा जो आप सब ने देखा है थोड़ा, तो मैं और भी नीचे चल के आप सबको बाहर का एरिया, जो बाहर का नज़ारा है, जो बाहर का व्यू है, वो मैं दिखा देता हूँ, तो ताकि आप लोग कभी भी आएँ तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, और अच्छी मिले देखने के लिए, जो मैं दिखाऊँ ना उससे भी बेटर चीज़ें आप सबको देखने को मिले। तो चलते हैं, ये सेकंड फ्लोर है, और मैं ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं फटाक से, और आप सबको व्यू दिखाते हैं। और जो कि है कि एक घंटा घर काफ़ी, आप कहीं भी जाएंगे, कहीं किसी से पूछ लेंगे घंटा घर जाना, तो इजी से आपको यहाँ तक बता देगा। तो गेट से मैं बाहर निकलता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ। अभी इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इधर आपको टिकट काउंटर दिखा देते हैं। ये जो घर दिख रहा है उधर, वो टिकट काउंटर रहा है, और इधर से मेन गेट है। अब इधर से सबको यार इसकी ऊंचाई दिखा देते हैं, ऊंचाई तो मैंने बता रखी आप सबको, बट ऊंचाई भी इधर से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अभी मैं जो गया था, अभी मैं वहाँ पे गया था आप सबको दिखाने के लिए, उधर अंदर से सीढ़ी लगाओ, उधर से मैं अभी उधर गया था आप सबको दिखाने के लिए,
तो ये रहा पूरा चारों तरफ से ऐसे ही बना है, और बाकी ये सब एरिया भी लाइट लग रही इधर, और इसके बाद बहुत ही अच्छा बन जाएगा। आगे चल के इधर एकदम बढ़िया से घास पीस हो जाएगा, उग जाएगा, फूल वूल लग जाएगा, तो बहुत ही सुंदर नज़ारा हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को घंटाघर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे का ब्लॉग हमारा और भी बेटर आए। आप सबके सपोर्ट से ही बहुत ही अच्छा मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा, जो आप सबको पसंद आए तो ही अच्छा बोलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई वीडियो पहले आप तक पहुँचती रहे और आप यहाँ की चीज़ों के बारे में जानते रहें। क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी जगह जो हम देख रखे हैं, बट यहाँ की चीज़ें नहीं देख रखे हैं, तो मेरे ब्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल से संबंधित चीज़ें अभी इस टाइम आ रही, क्योंकि मैं यहीं पे हूँ और यहाँ पे मैं काफ़ी दिन रहने वाला हूँ, तो यहाँ की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। बहुत जल्दी मैं घूमने जाने वाला हूँ, अब देखिए कहाँ जाते हैं, तो वहाँ का ब्लॉग एकदम बम्पर स्पेशल होने वाला है। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग घंटा घर के ऊपर रहा, अब मिलते हैं आप सबसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है गाइस।